Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson heredity and evolution. Last video में हमने देखा था evidences of evolution में morphological evidences, anatomical evidences, vestigial organ. अभी ये video में हमें paleontological evidences के बारे में study करना है. Paleontology is a study of a fossil. अभी इसमें देखते हैं. A question may arise in your mind that which organism existed million of years ago. Millions of years ago, कौन से animal exist करते थे? ये question का answer अभी हमें मिल चुका है. Now this secret has been hidden in the earth. तो earth के अंदर हमें इसका secret मिलता है. Large number of organisms get buried due to a disaster like a flood, earthquake, volcano, etc. तो ये जो earthquake, flood इनके कारण ये जो एनिमल्स है वो अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं एंड रेमनेंट्स एंड द इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड. तो ये जो एनिमल्स है या प्लांट्स है जो अर्थ के अंदर बरीड हुए हैं उनके जो रेमनेंट्स यानी कि लेफ्ट ओवर पार्ट्स या इम्प्रेशन जो भी है वो इस तरह से डायग्राम में हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें मिल जाते हैं और वो वैसे के वैसे ही अर्थ के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एज अ फॉसिल्स. तो इनको फॉसिल कहा जाता है एंड स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. तो ये जो फॉसिल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो फॉसिल का बहुत बड़ा काम है इवोल्यूशन ऑफ स्टडीज में. तो इसके बारे में और भी डिटेल में जानते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ अ कार्बन 14 अकर कंटिन्यूसली. तो ये जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट होता है. तो ये जो कार्बन है यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स दिए हैं C14 एंड C12. ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं. तो प्लांट्स और एनिमल जब भी उसका डेथ होता है तो एनिमल्स एंड प्लांट स्टॉप्स आफ्टर द डेथ and since then only the decaying of a C14 occurs continuously. तो उनकी बॉडी में कार्बन 14 जो है वो डीके होना स्टार्ट होता है. इन केस ऑफ अ डेड बॉडीज ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूअसली. तो इनकी बॉडी में ये जो कार्बन 14 एंड कार्बन 12 इनका जो रेशियो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे C14 डीके होता है और यहाँ पे बोला है कि C12 इज नॉन रेडियो एक्टिंग तो वो डीके नहीं होता है. द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट्स और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 एंड C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल का डेथ होने के बाद उनके बॉडी में प्रेजेंट होने वाला C14 कार्बन एंड द रेशियो ऑफ C14 एंड C12 उनकी बॉडी में वो सिचुएशन में क्या रेशियो में प्रेजेंट है उससे उनका एज कितना है वो फाइंड किया जाता है. दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड एंड इट इज यूज इन पैलियोन्टोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट. तो इसका इस्तेमाल करके यानी कि C14 कितना है एंड C14 इज टू C12 इनका रेशियो कितना है ये फाइंड करके वो पर्टिकुलर एनिमल ह्यूमन इनका एज कितना होगा ये फाइंड किया जा सकता है. वंस द एज ऑफ फॉसिल बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक इट बिकम्स इजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर अर्स्टवाइल ऑर्गेनिज्म. तो एक बार हमें इनका एज पता चल गया तो बाकी सारे एनिमल्स का यहाँ पे अर्स्टवाइल ऑर्गेनिज्म बोला है तो अर्स्टवाइल यानी कि ओल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में या फिर उनका एज कितना होगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं. इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट. तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्टिब्रेट्स है और ये इनवर्टिब्रेट्स है. तो ये इनवर्टिब्रेट्स से ये वर्टिब्रेट डेवलप्ड हुए है बट ये प्रोसेस ये इवोल्यूशन होने के लिए बहुत सारा समय बीतता गया है. तो वर्टिब्रेट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स.
अभी हम नेक्स्ट एविडेंसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक। ऑब्जर्व द फॉसिल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व। तो यहाँ पे ये अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं और उनके कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे हम कनेक्टिंग लिंक में देख सकते हैं, सम प्लांट्स एंड एनिमल शोज अ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो वी कैन से दैट दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस टू स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, इन पेरीपैटिस कैरेक्टर्स लाइक अ सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल्स एंड अ पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये जो एनिमल दिया है पेरीपैटिस, तो ये पेरीपैटिस के कैरेक्टर्स क्या है? तो इसके कैरेक्टर्स है सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, ये उसमें प्रेजेंट है। एंड सिमिलरली दीज एनिमल्स शोज अ टेट्रा ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तो उसके कैरेक्टर है ही, साथ में उसके और भी कुछ कैरेक्टर्स है, वो कौन से है? ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू अ अर्थ्रोपोड्स। अभी ये जो सारे कैरेक्टर्स है यहां से लेकर यहां तक, ये कैरेक्टर्स अर्थ्रोपोड्स ये क्लास से सिमिलरिटी दिखाते हैं। दिस इंडिकेट दैट द प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड द अर्थ्रोपोडा। तो ये जो दो अलग अलग ग्रुप है एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा, ये दोनों भी ग्रुप के कैरेक्टर्स शो करता है। एनिलिडा में क्या आते हैं? सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। एंड अर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स हैं ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन रेसर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्लेटिपस। तो प्लेटिपस ये जो एनिमल है, इट लेज एग्स लाइक अ रेप्टाइल्स बट शोज अ रिलेशनशिप विथ अ मैमल्स ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैमरी ग्लैंड। दैट मीन्स ये एग ले करता है, वो कैरेक्टर रेप्टाइल से मैच करता है। एंड इट हैज अ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स, दिस कैरेक्टर शोज द सिमिलैरिटी विद अ मैमल्स। तो ये दोनों के बीच का कलेक्टिंग लिंक है। लंग फिश परफॉर्म्स अ रेस्पिरेशन विद अ लंग्स इरेस्पेक्टिव ऑफ बींग फिश। दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड द एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू क्लासेस शो करते हैं। अभी हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शोज दैट ऑल द एम्ब्रियो शोज द एक्सट्रीम सिमिलैरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस एंड दोज सिमिलैरिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल्स। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो सारे एनिमल्स के एम्ब्रियो है, ये फर्स्ट डायग्राम में जो भी दिखाए गए हैं, ये अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियो है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैन का एम्ब्रियो है, ये रैबिट का एम्ब्रियो है, ये काऊ का एम्ब्रियो है। तो इस तरीके से ये सारे जो एम्ब्रियोज दिखाए गए हैं, वो इनिशियल स्टेज में ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही इनका डेवलपमेंट होने लगता है, इसका स्ट्रक्चर में वेरिएशन आते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। बट ये एम्ब्रियोलॉजी से ये पता चलता है कि इनका, ये सारे एनिमल्स का जो एंसिस्टर था वो कॉमन होना चाहिए। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। तो इस तरह से हमने ऑल एविडेंसेस के बारे में स्टडी कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।